कभी हिंदू मुसलमान तो कभी मुंबई बिहार, तो अब बिहार बनाम तमिलनाडु के बीच अफवाहों को लाकर राजनीति करने वालों के पास कोई नया फॉर्मूला नहीं बचा है। बचे हैं तो केवल वे लोग जिनकी अब सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो चुकी है। इस सारे खेल का भांडा अकेले मोहम्मद जुबैर फोड़ देते हैं ऑल्ट न्यूज के। कुछ कैसे कर रहे हैं और मजदूरों का जात तो ये बता दे, थोड़ा सा बताए जात, नहीं बताएंगे कौन से जात के लोग मर रहे हैं, नहीं बताएंगे और उसी जात का राजनीति करते हैं। वो झूठ बोल रहा था बड़े ही सलीके से, मैं एतवार न करता तो और क्या करता। नमस्कार, आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज, आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अफजल आलम। दरअसल ये शेर है बिहार के रेलम पत्रकार, जी हां गुंडई पत्रकार, और जो माइक को बंदूक समझकर चलाते हैं मनीष कश्यप के लिए। जी हां, आपको बता दें कि ये एक शख्स कैसे बिहारी अस्मिता और आपके जज्बात के साथ खिलवाड़ करता है और पत्रकार का लवादा ओढ़कर पूरी पत्रकारिता को और पत्रकारों की जमात को बदनाम करता है। जी हाँ, दहाड़ कर, हुंकार कर, ललकार कर जैसे लोगों पर ये गुस्सा बरसाता है और आंखें निकाल कर जो बातें बोलता है वो लगता है कितनी सच्चाई से ये बात बयां कर रहा है। आज आपको पता होगा कि मनीष कश्यप अब जेल जाने वाले हैं। आपको बता दें कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर लिया है पटना पुलिस ने। क्यों? क्योंकि जिस तरह से उन्होंने झूठी अफवाहें फैलाई और वीडियो जो है वो मिलियन में जा रही थी, ये कैसे बिहारियों को तमिलनाडु में काटा जा रहा है, मारा जा रहा है और यहाँ के नेता क्या कर रहे हैं, ऐसे आंखें निकाल निकाल करके गाल को एकदम जो है फैला करके गुस्से से लाल होकर के आपके जज्बातों में शामिल होकर के बोल रहे थे। लेकिन ये मनीष कश्यप किस तरह से खिलवाड़ कर रहे थे, फर्जी और फेक न्यूज फैला रहे थे। अब सोचिए कि बिहारी मजदूर को तमिलनाडु में काटा जा रहा है, मारा जा रहा है और ये वीडियो चलाकर वो करोड़ों रुपया कमा रहे थे। आपको बता दें कि उनके व्यूज, उसके चैनल पे जो व्यूज आए हैं वो आप जाकर चेक करें। अल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर ने उस वीडियोस को दिखाया कि 15 लाख, 16 लाख इस तरीके से व्यूज आ रहे थे, 50 लाख तक व्यूज आए फेसबुक और यूट्यूब मिला करके। अब जरा कल्पना करके देखिए, तसव्वुर कीजिए कि कैसे ये शख्स, कैसे ये लड़का जो पूरी पत्रकारिता को बदनाम कर चुका है और जहां मन चाहता है वहां जाकर खड़ा हो जाता है और माइक निकाल करके कभी पुलिस वाले से, कभी किसी और से, कभी किसी ऑफिसर से रंगदारी, जैसे जैसे रंगदारी मांगा जाता है ना, उसी स्टाइल में ठेस भाषा में और रंगदारी बतियाता है। मैं भी बिहारी हूं लेकिन जो इनका अंदाज है, कहीं पर जाके खड़े हो जाओ और ये क्या है, ये क्या है, खुद पत्रकार भी है, खुद एक्टिविस्ट भी है, खुद नेता भी है, पता नहीं चलता कि ये क्या है। ना तो इनके पास पत्रकारिता की डिग्री है, लेकिन ये कोई जरूरत नहीं है, अगर आपके पास पत्रकारिता की डिग्री नहीं है तो ये कोई आवश्यक नहीं कि आप पत्रकारिता नहीं कर सकते, आप भी पत्रकारिता कर सकते हैं। लेकिन जिस गुंडाई के साथ ये करते हैं वो कभी भी और नाकाबिले बर्दाश्त है। और जो फर्जी खबरें इन्होंने चलाई, मैं चाहूँगा पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाऊँ आपको कि वीडियो में देखिए कि कैसे ये गुंडाई कर रहे हैं और किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जानबूझ के ऐसा कर रहा है ताकि बिहार के मजदूर जो है ना, जो तमिलनाडु में काटे जा रहे हैं, मार खा रहे हैं, मर रहे हैं, उन पर चर्चा नहीं हो। ये जानबूझ के ऐसे कर रहे हैं और मजदूरों का जात तो ये बता दे, थोड़ा सा बताए जात, नहीं बताएंगे। तो देख रहे हैं किस जज्बात के साथ, किस जोशो खरोश के साथ और कितने गुस्से में ललकार कर, दहाड़ कर, हुंकार कर ये बातें कर रहे हैं। जो आरजेडी के नेता है, जो शिक्षा मंत्री है चंद्रशेखर, उनसे सवाल कर रहे हैं कि बताओ जाति, कौन सी जाति का था, ऐसे चिल्ला चिल्ला कर गाल फाड़ फाड़ करके ये भुपकार रहे थे, हुंकार रहे थे। तेजस्वी यादव का भी ट्वीट आया है, अक्सर ये देखा जाता है कि जो बीजेपी की लाइन होती है वही इस मनीष कश्यप की भी लाइन होती है और इनका फोटो तो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में भी था, वायरल भी हुआ था कि ये कैसे आरएसएस में किस तरीके से काम कर चुके हैं और ये बीजेपी का झंडा भी किस तरह से ढो चुके हैं। और आप जो नया कारनामा इन्होंने किया है कि आप सोचिए कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो कहा जाता है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कैसे फर्जी खबरें फैलाई जाती है, समझना चाहिए आपको। और पूरी बीजेपी सदन में हंगामा करने लगी कि भाई बिहारियों को क्या क्या गया, मारा गया, काटा गया। एक बीजेपी के नेता ने तो ये कह दिया कि 14 लोगों को फांसी पर लटका दिया गया जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई, वो भी मैं ट्वीट दिखाऊंगा। और मैं इनकी इकोसिस्टम को समझा दूं कि टूलकिट क्या है, कैसे काम करता है ये टूलकिट।
जब देश आजाद हुआ और देश में पहला आम चुनाव चल रहा था, तब हिंदू महासभा ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में पता है क्या चलाया था? फर्जी खबरें कि नेहरू जी तो गाय का गोश्त खाते हैं, गाय का मांस खाते हैं। सोचिए उस वक्त से इनकी स्ट्रैटेजी है। और अभी भी आप देखते होंगे कि बीजेपी का एंटी सेल जो वो क्या करता है, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा, ये राहुल गांधी का बयान बताता है। जबकि ये सच्चाई किसका बयान है? ये बयान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लेकिन ये आईटी सेल का कमाल है। और देखिए यहां पर वहां दरअसल हुआ क्या था मामला, कि स्टालिन जो मुख्यमंत्री है तमिलनाडु के, उनका बर्थडे था, उनका जन्मदिन था, और इस मौके पर देश के तमाम विपक्षी नेता वहां पर जुटे थे, जिसमें तेजस्वी यादव भी शामिल होने के लिए गए थे। और इसको डाइवर्ट करने के लिए, इसको मुद्दा बनाने के लिए क्या किया गया वहां पर, कि देखिए तेजस्वी यादव जो है केक खा रहे हैं स्टालिन के साथ में, और जबकि बिहारी मजदूरों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, और किस तेजी के साथ में इस वीडियो को, इस फोटो, और कहाँ की राजस्थान की फोटो, कहाँ की फोटो, दूसरे देश की फोटो, और लॉकडाउन की फोटो, कि जो लोग जा रहे हैं घर कैसे तो दिखाया जा रहा है, भाई देखिए किस तरह से बिहारी मजदूर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जबकि आपसी लड़ाई हुई थी, जो बिहार और झारखंड के जो मजदूर जहाँ पे काम करते हैं उन लोगों में आपसी खिंचतान हुई थी, नॉर्मल बात थी। और इसको इतना बड़ा चला करके कई अखबारों ने, कई चैनलों ने दिखा दिया, और जिसको लेकर पटना पुलिस ने कई पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज किया है। सबसे पहला नाम है मनीष कश्यप का। कभी हिंदू मुसलमान तो कभी मुंबई बिहार, तो अब बिहार बनाम तमिलनाडु के बीच अफवाहों को लाकर राजनीति करने वालों के पास कोई नया फॉर्मूला नहीं बचा है। बचे हैं तो केवल वे लोग जिनकी अब सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो चुकी है। इस सारे खेल का भांडा अकेले मोहम्मद जुबैर फोड़ देते हैं। ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर 3 मार्च को ट्वीट करते हैं। अपने ट्विटर हैंडल में उन अखबारों की कतरन और वेबसाइट के स्क्रीनशॉट लगाते हैं कि कैसे झूठी खबरें छापी गईं। जुबैर बताते हैं कि दैनिक भास्कर, एबीपी लाइव, लाइव हिंदुस्तान, पंजाब केसरी ऐसी खबरें और वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से शेयर कर रहे हैं कि हिंदी भाषी प्रवासी मजदूरों पर हमले हो रहे हैं, बिना इन वीडियो और खबरों की पुष्टि किए, जांच किए कि सही है या गलत, इन खबरों को पोस्ट किया जाता है और लाखों लोगों के बीच पहुंचा दी जाती है। दैनिक भास्कर खबर छापता है कि प्रवासी मजदूरों ने 15 से अधिक मजदूरों की हत्या का दावा किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केवल हिंदी बोलने के चलते बिहारी तमिलनाडु में तालिबान जैसे हमलों का सामना कर रहे हैं। लाइव हिंदुस्तान के पहले पेज पर खबर छपी है कि बर्बर तमिलनाडु में हिंदी भाषी मजदूरों पर कातिलाना हमले। अब इसे पढ़कर सनसनी तो फैली जाएगी, पर आप सोचिए कि ये अखबार किस तरह आपका इस्तेमाल जलावन की लकड़ी की तरह कर रहे हैं, आग में झोंक रहे हैं आपको। 5 मार्च को लाइव हिंदुस्तान की खबर को तो बिहार आरजेडी ने फेक न्यूज लिखकर ट्वीट किया और पूछा कि इस अखबार को बताना चाहिए कि किन किन मजदूरों पर कातिलाना हमला हुआ है। इसकी सूची भी सभी विवरणों के साथ सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करानी चाहिए, अन्यथा इन्हें माफी मांगनी चाहिए। चेन्नई में हिंसा कहां हुई ये भी बताना चाहिए। इसके बाद बिहार के कई न्यूज साइट पर ऐसी अफवाहों को हवा देने के लिए पुराने पुराने वीडियो पोस्ट किए जाते हैं। सच तक न्यूज, खबर परिहार, बिहार एंड झारखंड में यह खबर छा। अब तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है, आखिरकार बीजेपी की तमिलनाडु इकाई ने मान लिया कि बिहार बीजेपी के नेताओं ने तमिलनाडु में बिहारियों पर हमले की फेक, झूठी और भ्रामक खबर व अफवाह फैलाकर बिहारी स्वयंवीरों में भय उत्पन्न किया। बिहार बीजेपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी अध्यक्ष को माफी मांगनी चाहिए। और ये एक पेपर की कटिंग भी साथ में शेयर कर रहे हैं कि बीजेपी बिहार यूनिट पेडल फेक न्यूज सेस बीजेपी तमिलनाडु वाइस प्रेसिडेंट नारायणा त्रिमूर्ति। तो ये जो है वहाँ पर जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है तमिलनाडु के प्रदेश उपाध्यक्ष जिनका नाम है नारायणन, उन्होंने ये कहा है कि भाई ये बीजेपी जो है फेक फैला रही है, ये अफवाह है, झूठी खबरें हैं। पूरी तरह से क्लियर हो चुका है कि जिस तरह से बिहारी मजदूर को लेकर मुद्दा बनाया गया कि मारा गया, काटा गया, उनके साथ उनको दौड़ाया गया, भगाया गया,
ये पूरी तरह से फेक था और पूरी तरह से झूठी खबरें हैं। एक बीजेपी के नेता ने तो और कमाल कर दिया। जी हाँ, जिनका नाम है प्रशांत उमराव, जो जिनका काम ही है दिन भर, हालांकि पूरी बीजेपी सोशल मीडिया का काम ही होता है फर्जी खबरें फैलाना, उनमें से एक बढ़कर के ये प्रशांत उमराव है, जिन्होंने क्या ट्वीट किया, तमिलनाडु में हिंदी बोलने पर बिहार के 15 लोगों को फांसी पर एक कमरे में लटका दिया गया, जिसमें से 12 की दुखद मृत्यु हो गई। उसके बाद तेजस्वी यादव बेशर्मी से बाहर स्टालिन के साथ मिलकर जन्मदिन की पार्टी कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि बिहारियों के जज्बात के साथ कैसे खेला गया। अब 15 लोगों को फांसी पर एक कमरे में लटका दिया गया, जिसमें 12 की दुखद मृत्यु हो गई। अब कोई भी बिहारी अगर सुन ले और किसी के कानों तक ये बात पहुंची होगी कि बीजेपी के इतना बड़ा नेता ये बात कह रहा है, तो क्या अंजाम होगा, वो किस तरह से पागल हो जाएगा। अगर कोई तमिलनाडु उसके सामने मिल जाए तो वो क्या करेगा, आप जरा कल्पना करके देखिए, तसव्वुर कीजिए। बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट कर जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।